सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल स्वेता क्रिएशंस को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ श्वेता और आप सबका स्वागत है मेरी श्वेता क्रिएशंस पे। तो आज मैं अपना व्लॉग लंच से शुरू कर रही हूँ। आज का व्लॉग छोटा सा है और मैं आज लंच में केबज की सब्जी और रोटी बना रही हूँ। आज बहुत गर्मी है पर कल रात को हमने इडली लिया था तो इसीलिए थोड़ा हैवी लग रहा है, इसीलिए आज का रोटी खाने का प्लान बन गया। तो कैबेज की फ्राई, मैं नॉर्मली कैबेज सब कुछ कट कर लूँगी, एक ऑनियन और एक टमाटर, दो ग्रीन चिली डाल के सब कुछ कुकर में विसिल दे दूँगी, एक सीटी दे दूँगी। उसके बाद निकाल के तवे पे थोड़ा सा फ्राई कर दूँगी। आटा गूंद लिया है मैंने, एप्पल खा रही हूँ। मतलब गर्मी में जितना पसीना निकलता है पूरी तरह बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है। हमें बीच बीच में कुछ थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो जूस हो, फ्रूट्स हो, कुछ ना कुछ लेना ही चाहिए। तो मैंने कुकर में थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें उड़द दाल थोड़ा सा डाल दिया है। अब उसके बाद मैं डालूँगी ऑनियन और उसे थोड़ा फ्राई होने के बाद डालूँगी टमाटर, ग्रीन चिल्ली, अदरक लहसुन का पेस्ट और वेजिटेबल मतलब कैबेज और आलू को डाल दूँगी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी का पाउडर और गरम मसाला डाल के बस एक सीटी दे दूँगी। उसके बाद बनाऊंगी रोटी। आज मेरा लंच पूरा छोटा सा है, छोटू मोटू सा। तो देखते रहिए मेरे साथ, बने रहिए। बन गया मेरा लंच। अभी मैं डब्बा पैक करके शॉप में चली। वहाँ शॉप में मैं और मेरे पति आज मिलकर लंच करेंगे। बाहर मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया है, 4 बजे तक थोड़ा क्लाउडी सा हो गया तो मूड थोड़ा अच्छा हो गया बाद में। और आज का ब्लॉग मैं ज़्यादा बना नहीं पाई क्योंकि मेरे यहाँ पे बिजली चली गई थी, रात को आई, इसीलिए मेरा आज का ब्लॉग बस इतना सही है। आप लोग आज का यहाँ का मौसम देखिए और एंजॉय कीजिए। मैं भी एंजॉय कर रही हूँ और आप सब भी एंजॉय कीजिए। आप सब लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। बाय।